लखनऊ से है। लखनऊ में जमघट में मौके पर पतंग प्रतियोगिता का आयोजन। चौक क्षेत्र में हो रही पतंग प्रतियोगिता, मंत्र उच्चारण के बाद शुरू हुई पतंग प्रतियोगिता। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पतंग प्रतियोगिता में हुए शामिल। डिप्टी सीएम ने दी बधाई। पुराने पतंगबाज इकट्ठा हुए और पतंगबाजी की प्रतियोगिता हुई। प्रथम विजेता को बधाई दी। ये जो परंपरा है इसको जारी रखेंगे। हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे में बैठकर गुंडे बदमाश को फूल देते रहते हैं। कथनी करनी को प्रदेश वाले अच्छी तरह समझ चुके हैं। जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर जीतेगी। 9 की 9 सीटें जीतेगी। अखिल भाई को काटा था, वो देखे अखिल भाई आज इसीलिए दूर चले गए। टीम पर हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि महानगर के अध्यक्ष ने अखिल भाई को काटा था, वो देखे अखिल भाई आज इसीलिए दूर चले गए। टीम पर हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि महानगर के अध्यक्ष आगाज हो चुका है। हमारे इस जमघट में कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। माननीय बृजेश पाठक जी जैसे पतंग काटेंगे, सतीश मिश्रा जी एक गोला छुड़ाएंगे। सतीश मिश्रा जी पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर दीपावली के दूसरे दिन जमघट का बड़ा कार्यक्रम पतंगबाजी प्रतियोगिता यहाँ पर होती है और यह सदियों पुरानी परंपरा है। आज लखनऊ के पुराने पतंगबाज कनकैयाबाज यहाँ इकट्ठा हुए और उन लोगों ने पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो प्रथम 10 विजेता थे उनको हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया है, उनको बधाइयां दिया है और इस तरीके के जो हमारे परंपरागत रीति रिवाज है इनको हम लोग बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। और इस प्रकार के लखनऊ वासियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन बधाइयां देता हूं। विशेष रूप से यहां हमारे महानगर के अध्यक्ष आनंद जी, पार्षद अनु मिश्रा जी और जितने भी लखनऊ के काइट क्लब हैं सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। मोदी योगी की नजर आ रही है। देखिए आप जानते हैं कि आम जनमानस की जो चाहत है वो हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ है। अखिलेश जी ने एक्स पर पोस्ट किया है, आपको बताया कि नकारात्मक सोच वाले हैं सभी कटेंगे पतंग। आप जानते हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो इन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर विजय सिद्ध करेगी। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है नसीम सोलंकी, उन्होंने शिवलिंग पे दल चढ़ाया, आप अभी इंतजार करें, हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं।